जयदेव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, महेश शर्मा का विरोध होना शुरू हो चुका है। महेश शर्मा क्षत्रियों के गांव अकलपुर में आया था और उसे उल्टे पैर क्षत्रिय समाज के लोगों ने दौड़ा दिया। तो भाइयों, आप सभी देख सकते हो कि क्षत्रिय जाग चुके हैं। तो भाइयों, महेश शर्मा पिछली बार क्षत्रिय बाहुल्य गौतम बुद्ध नगर, जहां से बीजेपी आरएसएस और कांग्रेस क्षत्रियों को टिकट नहीं देती, वहां से महेश शर्मा पिछली बार क्षत्रियों के वोटों से जीता और जीतने के बाद 5.5 लाख वोट इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्षत्रिय हैं। इसने क्षत्रियों की तरफ नहीं देखा, इसने मिहिर भोज का इतिहास चुराया और वहां पर गुजर गैलरी बनाई जो कि नोएडा में, उसको लेकर क्षत्रियों में काफ़ी रोष है। और इस बार बीएसपी ने क्षत्रिय कार्ड खेला है, वहां से दलित और क्षत्रिय इकट्ठे हो गए हैं सभी, और लगभग 5.5 लाख वोट क्षत्रियों के हैं और 3 लाख वोट दलितों के हैं। सारे के सारे वोट ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी को पढ़ने वाले हैं और इस महेश शर्मा को इस बार बुरी तरह से हराया जाएगा, क्योंकि पिछली बार इसको कुल 8 लाख वोट मिले थे, उसमें 5 लाख क्षत्रियों के थे। इस बार इसको वोट मिलेंगे शुनकना, वो भी 3 लाख का, और उससे ज्यादा इसको वोट नहीं मिल सकते। और इसका विरोध हर क्षत्रिय गांव में किया जाए और बड़े बूढ़ों को बताया जाए कि इसने मिहिर भोज के इतिहास के साथ कैसे छेड़छाड़ किया था। अब चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता।